हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आरसीआई एजुकेशन और बांसुर। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि लेशन नंबर 1 का जो बेसिक पार्ट था वो मैंने अपने वीडियोस से कंप्लीट कर दिया है। अब अपन सेकंड लेशन का एटॉमिक स्ट्रक्चर जो बेसिक पार्ट है आपके लिए उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसको भी अपन टोटल 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसका फर्स्ट पार्ट में आपको आज इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ उसमें अपन क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे, फिर उसका सेकंड पार्ट, देन थर्ड पार्ट। इस तरह से आपका कंप्लीट एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा। तो इस पूरे पूरे एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपन बिल्कुल सिंपल वे में एक एक चीजें क्लियर करते जाएंगे, आप ध्यान से समझते जाएंगे। हालांकि सारी चीजें आपको वेल नोन है, उनमें छोटी छोटी चीजें अपन को ऐड करते हुए सारी चीजें क्लियर करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान रखिएगा कि कहां क्या नई चीजें अब तक आपने नहीं पढ़ी है प्रीवियस क्लासेस में, वो सारी चीजें अपन इस एटॉमिक स्ट्रक्चर लेशन में डिस्कस करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसके मैंने आपको टॉपिक यहां पर दिए हुए हैं, इन टॉपिक्स के बारे में मैं आपको थोड़ा नॉलेज दे देता हूँ। सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी बात करें बेटा, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की कैसे हुई थी, सब जानते हो। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने, जे.जे. थॉमसन ने की थी। उसके लिए पूरा पूरा जो अपन डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। फिर इलेक्ट्रॉन के लिए अब आपके पास में ये नई चीज आई निकल के, डिटर्मिनेशन ऑफ ई बाय एम ऑफ इलेक्ट्रॉन, E by M of इलेक्ट्रॉन। जो अपन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया है उसके लिए अपन यहाँ पर E by M, E मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, M मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E by M की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे अपन, चार्ज बाय मास, राइट। नेक्स्ट आपका आएगा डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन है आपका, जो सब एटॉमिक पार्टिकल होता है उसका चार्ज कितना होता है, उसको कैसे कैलकुलेट किया। ये जो आपको सबको पता है कितना होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। बट ये वैल्यू कहां से, किस एक्सपेरिमेंट से आए, उसके बारे में अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप भी जानते हो इलेक्ट्रॉन पर मास होता है, उस मास को अपन किस एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट करेंगे, उसके बारे में यहाँ पर पूरी डिटेल से अपन डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर आपका इलेक्ट्रॉन क्या है, एक नेगेटिव सब एटोमिक पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, नेगेटिव सब एटोमिक पार्टिकल है। तो उसमें उसके चार्ज को सेटिस्फाइड करने के लिए प्रोटोन भी प्रेजेंट होता है, तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटोन की बारे में बात करेंगे अपन। फिर अपने पास में एटॉमिक मॉडल्स आएंगे, क्या आएंगे बेटा, एटॉमिक मॉडल्स। इन सब के बारे में आप बात कर चुके हो, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। फिर आगे चलेंगे आपके पास में नील्स बोर आएगा, जहां पर अपन मैकेनिक्स की बात करेंगे। फिर बात करेंगे अपन इसी में एटॉमिक नंबर आएगा आपका। फिर बात करेंगे अपन आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोइलेक्ट्रॉन्स, इन सब के बारे में अपन यहाँ पर इसके थ्रू एटॉमिक मॉडल्स के थ्रू बात करेंगे। जब अपने पास में एटॉमिक नंबर आ जाएगा, आइसोटोप आइसोबार आ जाएगा, तो फिर एटम के अंदर कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, उन सबको अपन क्या कहेंगे, न्यूट्रॉन्स। तो अपने पास में क्या होगी, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये अपने पास में एटॉमिक स्ट्रक्चर का आपका पार्ट फर्स्ट है, क्या बताइए, एटॉमिक स्ट्रक्चर का आपका पार्ट फर्स्ट है, जिसमें अपन डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिटरमिनेशन ऑफ ई बाय एम ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिटरमिनेशन ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक मॉडल्स, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, एटॉमिक नंबर, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोइलेक्ट्रॉन, और लास्ट टॉपिक रहेगा इसमें डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ये सारे टॉपिक अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अपना फर्स्ट टॉपिक आता है कौन सा, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बारे में बात करें बेटा, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने की थी, कैसे की थी, क्या एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर, आई होप आपको ये पार्ट फर्स्ट के टॉपिक क्लियर हो गए होंगे कि अब अपन को क्या पढ़ना है, क्या स्टडी करना है,
उसके बारे में अपन सारी चीज अब तक जान चुके हैं। तो अपना अब टॉपिक स्टार्ट होता है कौन सा, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी बात करते हैं अपन डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बेसिक जानकारी कैसे क्या हुआ, इसका डायग्राम भी आपके इसके नोट्स में गिवन है, बट मैं उसको आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि उसके साथ उसकी थ्योरी का एक्सप्लेन नहीं हुई तो फिर उस डायग्राम का मीनिंग नहीं होगा। मैं आपको इसकी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे देता हूँ। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने किया, जे जे थॉमसन, ये आप सब जानते हो किसने किया बेटा, ये जे जे थॉमसन। उसके बाद कौन से एक्सपेरिमेंट से हुआ तो उसको अपन कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इसकी बात करेंगे अपन डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ध्यान रखना ये कई बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि विच एक्सपेरिमेंट यूज्ड इन द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपको लिखना है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अब तक आपको ये पता था कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने किए थे, जैसे थॉमसन, पर उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था, उसको नाम देंगे अपन डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इनमें जो यूज किया था वो अपने पास में कौन सी, कैथोड रेज। इसकी बात करेंगे अपन यहाँ पर कैथोड रेज की बात करेंगे, इसकी रेज की बात करेंगे अपन कैथोड रेज की बात करेंगे। इसने किया था ये जे जे थॉमसन ने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से किया था, और इसमें जो रेज थी वो कौन सी थी अपने पास में, कैथोड रेज। अब बेटा आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का मैं थोड़ा सा आपको पिछला जो आपने पढ़ा हुआ है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। आपने फिलोसोफर कौन थे, महर्षि कनाथ, इसकी बात करूंगा बेटा महर्षि कनाथ की बात करूंगा। महर्षि कनाथ ने भी आपके एटम के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी दी थी। उसके बाद अपने पास में आए कौन, डाल्टन। कौन आया बेटा, डाल्टन, इन्होंने भी एटम के बारे में आपको जानकारी दी थी। ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हो, ये सारी चीजें आप जानते हो, इसलिए इसके बारे में ज्यादा अपन यहाँ पर डिटेल नहीं जाएंगे। हालांकि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आपके फर्स्ट लेक्चर में गिवन है, जब उसको अपन डिस्कस करेंगे तो वहां इसकी बात करेंगे। मेनली जो एटम है उस एटम को अपन यहाँ पर सबको पता है, एटम जो है आपका वो क्या है, इनडिविजिबल पार्टिकल। कहा गया था कि एटम क्या है आपका, इनडिविजिबल पार्टिकल, इसको अपन डिवाइड नहीं कर सकते। बट जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, इसीलिए बात कर रहा हूं मैं आपको, पहले इलेक्ट्रॉन बताया फिर इसका अपन एटम के बारे में अपन बात की। जब अपने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, प्रोटोन की और न्यूट्रॉन की हुई, इन सबको क्या बोलते हैं कि सब एटोमिक पार्टिकल। ये सारे क्या है आपके, सब एटोमिक पार्टिकल। इन सब एटॉमिक पार्टिकल को डिस्कवरी होने के बाद अपन इसको क्या नहीं कह सकते, इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि एटम का एक पर्सनल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। एटम का क्या होता है, सेल्फ एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर को कंप्लीटली जो एक्सप्लेन किया है वो किया गया है वेव मैकेनिक्स थ्योरी से। क्या गया बेटा, वेव मैकेनिक्स थ्योरी से। इससे क्या गया बेटा, वेव मैकेनिक्स थ्योरी से, जिसको जिसे आप ये लेसन जैसे जैसे रनिंग में होगा उससे आपको क्लियर में समझ में आएगा कि वेव मैकेनिक्स थ्योरी क्या है, उससे कंप्लीट एटॉमिक स्ट्रक्चर आपकी फाइंड आउट हुई है। अब अपने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो एक्सपेरिमेंट है आपका कौन सा, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट अपन नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल डायग्राम के साथ इसको अपन एक्सप्लेन करेंगे। हालांकि नोट्स में मैंने आपको डायग्राम बनवा रखा है, आप बनाओगे, पर उसकी थ्योरी नेक्स्ट क्लास में दे रखी है, उसका क्लियरली एक्सप्लेनेशन अपन इसमें देंगे, नेक्स्ट क्लास में देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।